और ये कपिंग थेरेपी है इसमें, ये सिरोधारा है, ये लीज थेरेपी है, ये जानो बस्ती है घुटनों के लिए है, ये आपका पोटली मसाज है यहाँ पे। इसके बाद आता है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें क्या होता है पूरी बॉडी का शोधन किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, दोस्तों आज हम आए हैं मेरठ गंगानगर में और यहाँ पे है एक योगा पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर की ओपनिंग। तो दोस्तों चलो ओपनिंग में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या व्यवस्था की भाई ने, कैसे कैसे ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं वो, जो कुछ बीमारियां उनका ट्रीटमेंट के लिए भी उसमें है प्रावधान। तो देखते हैं भाई ने कैसा सेंटर बनाया, क्या क्या उसमें सुविधा है, भाई सारी बात करते हैं भाई से मिलकर। तमाम धन्यवाद भाई। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम राजा दानवेंद्र महाबलेमाचल आयुष कामना सर्वे कामना जय बजरंग बली। भाई दोस्तों मोनू चौधरी भाई हैं, इन्होंने ये सेंटर लगाया है पंचकर्म। ये यहाँ क्या होता है? ये एक टेबल है, इसके पर किसी भी पेशेंट को लिटा जाएगा। ये सिरोधारा है, इससे हमारे माइग्रेन एंजाइटी वगैरह के जो जितने भी डिजीज हैं वो सब क्योर होगी। ये स्टीम बॉक्स है, इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान को इसमें बिठाया जाता है, उसके बाद उसके पूरे बॉडी का पसीना निकाला जाता है। उसके बाद स्टीम बाथ बोलते हैं। हाँ जी स्टीम बाथ। ये पोटली है, ये जिसको बोलते हैं पोटली मसाज, ये पोटली है। इसके द्वारा हम घुटने कमर सर्वाइकल माइग्रेन साइनस सभी तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। और दूसरे कमरे में क्या होगा? यहाँ पे ये योगा चलेगी, यहाँ पे योगा, यहाँ पे ये योगा हॉल है, ये योगा हॉल है यहाँ पे। और बाकी जितनी भी तरह की चिकित्सा है यहाँ पे सभी उपलब्ध हैं। तो मनु भाई अगर ट्रीटमेंट की बात करें, बीमारी के इलाज की बात अगर हम करें, तो क्या क्या बीमारी का इलाज हो सकता है आपके सेंटर के जरिए यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले तो जो आता है बीपी की समस्या होती है बहुत ज्यादा, किसी को हाई बीपी होता है, किसी को लो बीपी होता है। उसके बाद आता है बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सर्वाइकल से लेके और आपकी पूरी टेल बोन तक आ जाता है। हाँ जी, पूरी रीढ़ की हड्डी में कवर हो जाती है जो बैक पेन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है शुगर अगर किसी का बढ़ा हुआ है उसका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंजाइटी, अगर किसी को एंजाइटी है उसका भी होगा। तनाव, हाँ जी। माइग्रेन, ये माइग्रेन का अटैक होता है बड़ा, हाँ जी बहुत खतरनाक होता है ये जब होता है तो कम से कम इंसान को तो अपनी होश ही नहीं रहती।
हार्ट डिजीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा चली हुई है, कोई भी बीमारी हो। हाँ जी, पेरिकोज वेन, अगर किसी को नसों का गुच्छा बन गया भैया, हम कहते हैं कि उसका ऑपरेशन मत कराओ, ऑपरेशन कराओगे तो कामयाब नहीं होगा। इसके लिए हम लीच थेरेपी देते हैं। इस बच्ची को लीच लगी हुई है, इसको देख सकते हो आप। अगर किसी को कील मुहासे होते हैं ना, उनके लिए लीच थेरेपी बहुत जबरदस्त चीज है। उसके बाद आता है घुटनों का पेन, जोक, जिसको हिंदी में जोक बोलते हैं। इसके बाद आता है नी पेन। नी पेन आजकल जो है नॉर्मल हो चुका है, हर किसी को देखो तो नी पेन, घुटनों का पेन, घुटनों का पेन, घुटनों का पेन, बैक पेन, शुगर और हार्ट डिजीज, ये जो है ना थोड़ा सा कॉमन हो चुकी है आजकल के टाइम में। तो यहाँ पे जो है ना सभी डिजीज को कवर कर लिया गया है, और बाकी जितनी भी बीमारी हैं, और ये कपिंग थेरेपी है इसमें, ये सिरोधारा है, ये लीच थेरेपी है, ये जानो बस्ती है घुटनों के लिए है, ये आपका पोटली मसाज है। यहाँ पे पोटली मसाज क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी का पोटली से अभ्यंग किया जाएगा, तेल में डिप किया जाएगा पोटली को, उसके बाद पूरी बॉडी पे इसको मसाज किया जाएगा। तो उसके बाद आता है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी का शोधन किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, पूर्वकर्म होता है इसमें। पूर्वकर्म में क्या होगा, हम उसको घी पिलाते हैं, औषधियों का घी है वो पिलाएंगे। उसको पिलाने के बाद उसकी बॉडी का पूरा अभ्यंग होगा, फिर उसको स्टीम दिया जाएगा, यानी कि उसकी बॉडी बाहर से भी ऑयलिंग होगी और अंदर से भी ऑयलिंग होगी। तो जितनी भी उसके शाखाओं पे दोष हैं, जैसे आपके लंग्स की प्रॉब्लम हुई, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई, माइग्रेन, आपके स्टमक की प्रॉब्लम है, सभी बीमारी में लाभ, सभी जितने भी ऑर्गन्स पे आपके जो भी चीज है उनका सबका इलाज किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे योगा क्लास भी चलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, हट योगा, पावर योगा, विन्यासा, बच्चों के लिए योग है, सिरोधारा है, आयुर्वेदिक बॉडी मसाज है, लीच थेरेपी है, आयुर्वेदिक फेस पैक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर किसी को कील मुहासों के लिए होता है। इसके बाद मरमा थेरेपी है, जो मरम थेरेपी आज से कई हजार साल पहले जिसका निर्माण हो चुका है। इसके बाद कपिंग थेरेपी है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। तो इसके अंदर सभी चीज़ें की बीमारी के मतलब समाधान है। आइए भाई, मोनू भाई की डिग्री के बारे में पता करेंगे। वैसे तो कोई भी खोल के बैठ जा ऐसी चीज, लेकिन इनको इसमें कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए। तो मोनू भाई की, भाई एक बार बताओ क्या क्या आपने। मैंने सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी से बैचलर किया योगा में, उसके बाद फिर मैंने सर्टिफिकेट किया योगा में, उसके बाद मास्टर किया योगा में, फिर उसके बाद पंचकर्म किया, फिर नेचुरोपैथी में मैंने मास्टर किया, अब मेरी PhD चल रही है योगा से। तो भाई वैसा कैसा नहीं है, काफी साल गुजार दिए पढ़ाई में इस चीज की, और अभी PhD कर रहे हैं। तो भाई एक वो बोलते हैं ना सर्टिफाइड, तो सर्टिफाइड आदमी है भाई, कोर्स वोर्स सारे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वैसा ही है, बिना सीखा किसी को गलत सिखाएगा। और भाई ने बहुत अच्छी शुरुआत की, भाई हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह कोई हमें बुलाता है जहाँ स्वास्थ्य संबंधित कुछ बात जुड़ी हो, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए कोई काम किया हो उसने, बहुत अच्छा लगता है। कोई जिम खोलता है, कोई जेन्युइन सप्लीमेंट शॉप खोलता है, या फिर योगा सेंटर लगाता है, तो भी बहुत अच्छा लगता है। भाई के पास में आए, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने हम बुलाए, भाई ने इस लायक समझे कि हम यहाँ हैं, तो भाई बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगे। भाई पूरा एड्रेस डाल देंगे, पूरा एड्रेस बताइए भैया। ये ए ब्लॉक है मेरठ गंगानगर में, मवाना रोड पे, A78 जो हाउस नंबर है, A78 गंगानगर मेरठ, मवाना रोड पे पड़ता है। तो भाई किसी भाई को ऐसी कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो ऐसी, जो जो भाई ने बताई इस संबंधित कोई बीमारी हो तो ट्रीटमेंट भी करा सकता है। और भाई योग का सेंटर है, योग करोगे तो आप स्वस्थ वैसे भी रहोगे, ठीक है भाई। तो भाई मेरा कहना यह है कि भाई व्यायाम करो आप जरूर, आप जिम जाओ या योग करो या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करो, आप व्यायाम जरूर करो। बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई काम करता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कोई काम करता है। तो भाई ऐसा कोई भी भाई ऐसी ओपनिंग करना चाहो भाई, कभी भी हमें बुला सकता है, पूरी टीम तालियान फिटनेस की तैयार है आपकी सेवा में। और कुछ कहना हो भाई? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।